अब देखिएगा जो ढोलकी से आवाज आती है उसमें एक विशेष आवाज आती है, वो आवाज का नाम है धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग। मतलब क्या कहते हैं जो ढोलकी, ये श्री बलदेव प्रभु, ये गुरु जी है। मानव गुरु जी कहते हैं जिनको भगवान ये मानव शरीर दिए, लेकिन ये मानव शरीर पा करके जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन को धिकार है, उनके जीवन को धिकार है। मैया जब कीर्तन कर रही थी बोले गोविंद दामो दर माधवे ते, 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 गोविंद दामो दर माधवे ते। आहे त्रे सहे जा सब हे सचे ते, गोविंद दामो दर माधवे ते, हे कृष्ण हे जा सब हे सचे ते, गोविंद दामो दर माधवे ते। हाथ में मैया सेवा कर रही थी और मुंह में ठाकुर जी नाम ले रही थी, बोले क्या फल किया है। जब नारद जी एक दिन भगवान से पूछे बोले ठाकुर जी आप कह रहे थे वो, भगवान कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे योग्याम हृदय न च मद्भक्ता यत्र जायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद सारा दुनिया कहता है मैं रहता हूँ वैकुंठ में, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं रहता हूँ योगियों का हृदय में, वहां भी नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु कहाँ रहते हो, एक जगह में मेरे को पाओगे जहाँ मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन, केवल वहीं पर मैं मिलूंगा। इसलिए माँ इधर सेवा कर रही है कीर्तन कर रही थी, इतने में कृष्ण की नींद खुल गई। इतने में कृष्ण आकर के मैया को पीछे पकड़ लिए, बोले मैया मेरे को दूध ला ले, मेरे को भूख लग रही है। मैया बोली लाला, मैया की रोम रोम खिल रही थी, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी। उस तरफ में चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी, इतने में वो दूध धीरे धीरे उफन उफन करके आग में गिरने जा रहे। बोले क्यों, वो दूध सोच रहा है लगता है मैं कृष्ण से मिल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कृष्ण की गर्भोगत में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है और मैया के स्तन में इतने दूध हुए मानो संपूर्ण खीर समुद्र समा जाएगा। लगता है मैं तो कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा, अगर ये जीवन कृष्ण सेवा में नहीं लग पाए तो ये जीवन को अग्नि में आहुति देनी चाहिए। लेकिन ये मैया बड़ी तैयार, बोले दूध तुम उठना ही रुक जा, तेरे के कृष्ण सेवा में लगाऊंगे। कन्या थोड़ी गोद से उतर जा लाला, दूध उफ रहा है। बोले मेरा आधा पेट भी भरा नहीं, अब कह रहे हो दूध रखा करने जाऊंगी, मेरे को भर पेट दूध पिला करके जाया करो। मैया सोच रही है इधर दूध उफन रहा है और उधर दूध भी उफन रहा है, ये दोनों ही उफन रहे हैं। सबसे पहले क्या करनी चाहिए, बोले जो दूध उफन रहा है अगर दूध उफन करके आग में गिर जाए ना फिर बच्चा का अमंगल होता है। अरे मेरे स्तन में जो दूध है ही है किसी समय में भी मिला सकती हूँ, लेकिन अगर दूध उफन करके गिर गया तो फिर मलाई नहीं बनेगी, फिर मलाई नहीं होगी तो फिर मक्खन नहीं बनेगी, फिर लाला को फिर मैं क्या खिलाऊंगी। इतने में कृष्णा उतर नहीं रहे थे, मैया कृष्ण को जोर जबरदस्ती वहां बैठा करके चली गई। कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मैं अभी दिखा रहा हूँ कितने दूध को बचाओगी। वो जो मटकी था ना, अभी नंदगांव में एक मटकी है, कभी आप जाओगे देखो कितना बड़ा मटकी है, पता नहीं कितना क्विंटल्स में दूध आ जाएगी।
कृष्ण पकड़ करके कोशिश किया पलटाने के लिए, लेकिन पलट ही नहीं रहा। देखा वहां पर के पत्थर पड़ा हुआ, उठाया और मटकी को मारते ही मटकी तो फूट गई और उससे जो छाछ बन गया था सब निकलने लगा। कृष्ण बड़े खुश हो गए, मैंने मटकी फोड़ दी। फिर याद आया मैया आएगी तो डंडा एक नीचे पीठ को ऊपर पड़ेगा। फिर कृष्ण वहां से गए दूसरे घर से, उखल में खड़े हो गए, ऊपर से मक्खन निकाल निकाल करके कौए और बंदर को खिला रहे थे। बोले भैया ये कौए को नहीं, बोले ये काग भुसुंड के वंशज हैं। जो काग भुसुंड निरंतर प्रभु कथा सुनाता है, बोले जो मेरी कथा सुनाते हैं उनको मिठाई मक्खन खिलाना चाहिए। आओ मक्खन खाओ। बोले ये बंदर को नहीं, बोले हनुमान की बंदर। बोले राम लीला में मैंने इनको कुछ भी नहीं खिलाया, अपने आप जंगल से खाकर बलि जुट किए हो, कम से कम कृष्ण अवतार में मक्खन तो खिला दो। आओ इधर जा मक्खन खाओ। मैया थोड़ी देर बाद में आई, देखा मटकी फूटी हुई, पूरा घर घर में छाछ दही फैला हुआ। बोला ये तो बड़ा दुष्ट हो गया, ये मेरी सास का समय की मटकी तूने फोड़ दी, अभी तेरे को बड़ा खाते तू गया का। बोले चोर जब चोरी करता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ कर भी जाता है, वो सीआई ने पकड़ लेता। कृष्ण को पैर में भी लगा हुआ था दही। जब कृष्ण धीरे 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 गए, वो चरण का सुंदर सुंदर छाप भी बढ़ते 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 गया था। इतने में मैया जसोदा हाथों में एक लट्ठा लेकर के बोली ये चोर गया कहाँ है। देखा बंदर कौओं को ये मक्खन खिला रहा है। भैया और ज्यादा क्रोध आ गया, बोले अरे खुद खा कोई बात नहीं, कौए बंदर को तो खिला रहे हो, इसलिए मैंने इतना कष्ट करके मक्खन निकाला था। मैया को तो और क्रोध आ गया। जब पकड़ने जा रही थी, कृष्ण पहले से ही मेन रोड का जो दरवाजा खोल रहे थे, बोले मैया इधर आएगी ना तो मैं इधर भाग जाऊंगा। इतने में कृष्ण छलांग लगाए और मेन रोड में निकल गए। मैया तो कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछा कर रही है। बोले किसको पकड़ने के लिए, बोले भगवान को। बोले भगवान को नहीं, संत कहते हैं की चरण को, चरण की छटा को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति करोड़ों साल तपस्या करते हुए ध्यान नहीं पाते हैं, बड़े बड़े जोगी ऋषि जिनकी आराधना करते हैं तभी हृदय में स्मरण तक भी नहीं कर पाते, मैं आज उनको पकड़ना चाह रही है। जब थोड़ी दूर भागे मैया थी मोटी, इतने में मैया हाफ हो गई। कृष्ण तो 3 साल के बालक भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। इतने में कृष्ण मैया जसोदा अपना चोटी में सुंदर सुंदर फूलों में श्रृंगार की थी और एक एक फूल गिरते गिरते जा रहा था। इसका मतलब है, बोले मैया तू अकेला अपना को मत समझो, तेरे साथ हम भी है, चलो हम सबके सब मिल के कृष्ण को आज पकड़ लेंगे। इतने में कृष्ण देखा मैया को, कहां तक मैं भगाओ। मैया बोली लाला क्या होता नहीं देख, हाथ में लटिया देख लो, मारो फेंक करके खड़े हो जाओ यहीं पर। इतने में कृष्ण खड़े हो गए, बोले मैया पहले लटिया फेंक दे फिर मैं खड़े हो जाऊं। मैया बोली थोड़ी तेरे को मैं मारूंगी, तेरे को तो पूजूंगी, माताएं कभी कभी बच्चों को पूजा करती होगी, इसलिए मैं तेरे को पूजूंगी मारूंगी नहीं। मां जाकर कृष्ण को पढ़ ले, बोल अभी तेरे को मारू, अभी मारू, बड़ा दुष्ट बन गया तुम, पहले दूसरे दूसरे घर में चोरी करता था, आज मेरी सास की भाई की तुमने तोड़ दिए, बताओ सही सही ये मटकी फोड़ी किसी ने। बोले मैंने थोड़ी फोड़ी, तू जब जा रही थी मक्खन दूध रखा करने के लिए, पैर में जो इतने मोटे मोटे कौडूले पहन के रखी थी वो कौडूले लग करके वो फट गया, मटकी में थोड़ी फोड़ी है। बोले बाबा ये तो बड़ा दुष्ट खूब फोड़ करके मेरे नाम पर दोष लगा रही है। बोले बताओ ये बंदर को कौए को मक्खन मिश्री किसने खिलाया, बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू बहुत बड़ा चोर हो गया,
कृष्ण बचपन में सुना था, उनको एक मामा का नाम था चोर गो, बोले मैं तो नंद राजा का बेटा हूँ, तेरे समय में कोई चोर होगा। बोले पति ये कहाँ से सुन करके कहा। बोले तू तो बंदरों का दोस्त हो। बोले मैया अगर मैं बंदर का दोस्त तो मेरे को तो छोड़ दे, फिर मैं बंदर के साथ में रहूंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। मैया ने देखा इतने कष्ट से एक लाला हुए हुए, अगर सच में चला गया तो बच्चों का क्रोध है ना, थोड़ी में क्रोध और थोड़ी बात में शांत तो हो जाते हैं। बोले इसको थोड़ी समय के मैं बांध रख देती हूँ। मैया ने बोले तू खाल और तू खाल, दोनों मिल करके तुमने मक्खन चोरी की। इतने में भैया एक रेशम का रस्सी से जब बांधने के लिए गई, उसमें दो उंगलों का पड़ गया। मैया गोपियों से बोले और एक रस्सी ले आओ। फिर दूसरे रस्सी में जब गांठ पर बांध करके फिर बांधने के लिए गई, फिर उसमें दो उंगल कम पड़ गया, बोले और एक रस्सी ले आओ। ब्रज में जितने रस्सियां थी सब समाप्त, लेकिन ये दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं पड़ी। मैया तो थक गई सवेरे से लेकर शाम तक, जब किसी तरह से बांध नहीं पाई, अपना गृह देवता का शरण में चली गई। बोले हे भगवान विष्णु, इसके पीछे सवेरे से शाम हो गया, लेकिन इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ, तो मेरी लाज को बचाओ। जो उन्हें शरणागत हो गई, भगवान ने मैया की परिश्रम को देख के प्रभु बंधन को स्वीकार किए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी ध्यान देकर सब सुना। अभी इसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ता, तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं, जितने रस्सी उसमें जाए वो दो ही कारण किया है। अभी ध्यान कर सुनो, इसमें बड़ी रहस्य बात बताया। बोले जो पहला जो अंगुल है, जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए जब परिश्रम करता है, ये पहला अंगुल है। पर दूसरा अंगुल क्या है, बोले भगवान की कृपा। जब ये दो चीज मिलेगी जाकर कर ये काम तात्पर्य है, जैसे कोई माँ कोई बच्चा सो रहा है, मैया रोसी बना रही है, बच्चा का नींद खुल गई, फिर बच्चा का एक भूख लगा वो रोएगा, मैया दूध पिलाए, मैया सोचती है कोई बात नहीं अभी अभी खाना बन जाएगी, फिर लाल को दूध पिला दूंगी। बच्चा थोड़ा रोता है, लेकिन देखा मैया आई नहीं, थोड़ा और जोर से रोएगा, मैया सुन करके मेरे को गोद में लेकर दूध पिलाए। मैया सोचती है कोई बात नहीं अभी अभी काम खत्म हो जाएगा तो लाला को दूध पिला लूंगी। जब बच्चा देखता है तब भी मैया नहीं आती ना, फिर तो बच्चा जोर से रोना शुरू कर देता है, फिर तो जमीन पर लौट उठाता है, फिर क्या करता है, फिर मैया सारे काम को छोड़ करके अपना बच्चे को गोद लेकर के दूध पिलाती है। इसका मतलब है कि जब तक कोई साधक के हृदय में भगवान को पाने की ऐसे उत्कंठा नहीं आए, अगर साधक के हृदय में ये आए अगर ठाकुर जी नहीं मिलेंगे ना, मैं उनकी विरह में आज मैं प्राण त्याग दे दूंगा, प्राण छोड़ दूंगा, फिर भगवान के हृदय पिघल जाता है, ठाकुर जी उसे दर्शन देते हैं। श्री पटेल भगवान की जय, जय श्री राधे। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके भगवान के नाम भक्ति पूजा साधन करनी चाहिए। अगर हम संसार में मस्त रहेंगे ना, फिर भगवान ध्यान नहीं देते, बोले बढ़िया अच्छी बात है, तू भी मस्त रहो और मैं भी मस्त रहता हूँ। अगर भक्त अगर प्रभु का प्रेम को पाने के लिए उसमें डूबेगा तो फिर जाकर के प्रभु की कृपा होगी। मैया बोले तेरे पीछे सबर से शाम हो गया, सारे घर का काम काज पड़ा हुआ, अभी तुम लेटे रहो बैठे रहो, बांध दी मैं घर का काम करती हूँ। इतने में कृष्ण के सखा लोग आ गए, बोले यहाँ आज तुम बंधने में आ गया। बोले हाँ। कृष्ण बोले एक काम करो, रस्सी को खोल दो। सखाओं ने कोशिश की लेकिन किसी तरह से खोल नहीं
पाए। बोले क्यों? बोले वो प्रेम की राज्यों में भगवान प्रेम को द्वारा बनते हुए हैं, भगवान को थोड़ी कोई बात है। इतने में देखा सामने दो वृक्ष है, वो जमलार जो वृक्ष, ये जमज और जो वृक्ष, ये पूर्व जन्म में ये कुबेर का दो बेटे थे, नौ कुबेर और बनीगिरी। एक दिन एक सरोवर में ये लोग शराब पी करके विवस्त्र होकर और अप्सरियों को लेकर के जल विहार कर रहे थे। उधर से नारद गुजर रहे थे, उनकी पत्नी ने तो पानी से निकल करके शरीर को कपड़े से ढक दी, लेकिन ये जो दो है वो शराब पी करके ऐसे मतवाला थे, नारद जी को तो आग फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। बोले बाबा तेरा और कोई रास्ता नहीं मिला, इधर से आ गया तू हमारे रंग में भंग करने के लिए। नारद जी ने देखा, हाय रे, कहां कुबेर का पुत्र स्वर्ग में रहने वाले, इतने बड़े भक्त का संतान, फिर शराब पी करके नंगे होकर के जल विहार, अगर कोई साधु आ जाए तो क्रोध से आग फार भाग देख रहे हो। नारद जी ने देखा कल्याण करनी चाहिए, बोले जाओ, जैसे वृक्ष जैसे नंगे रहते हैं तुम ऐसे नंगे है ना, वो वृक्ष को प्राप्त कर। जब अभिशाप दिए धीरे धीरे तो करने शुरू हो गया। अब जो वृक्ष जन्म बड़ा कठिन जीवन है, एक जगह पर खड़े रहो, जो इच्छा करके काट दे, पानी नहीं मार सकते हो, धूप में सल में एक जगह पर खड़े रहना पड़ेगा तुम्हें, कोई चीटा उतार ले, कोई डहना काट ले, बड़ा कठिन जीवन है। उनके सारे नशा उतर करके आ गया। बोले बाबा हमारी अपराध हो गई, चरण में गिर पड़े, बताओ हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले कृष्णा जब द्वापर युग में ये गोकुल में जन्म ग्रहण करेंगे, उनकी चरण स्पर्श से तुम्हें दोनों को मुक्ति मिलेगी। अभी नारद जी की वाक्यों को रक्षा करने के लिए प्रभु सखाओं को बोले, ये उखलों को पीछे से धक्का मारो। अभी कृष्ण घुटन पर चलते चलते दोनों वृक्षों को बीच में होकर के जब चले गए और वो जो उखल था वो अटक गया, कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाती दोनों वृक्ष धड़ाम करके गिरे, इतने जोर से आवाज हुई जैसे कहीं बज्र गिरा, और उसी से नाल कुबेर और मुनिगिरी ये दोनों वृक्ष से निकले, भगवान को प्रणाम की। बोले हे प्रभु गुणानुकथने, बोले हे प्रभु जैसे हमारी आपकी गुण कीर्तन में लगे, जैसे ये दो हाथ तुम्हारी भक्तों की सेवा में लग जाए, जैसे ये कान तुम्हारी कथा सुनने में लग जाए, हे प्रभु अगर तुम्हारी कोई भक्तों को देख लेना जैसे हम उसको प्रणाम करें, क्योंकि हम श्री नारद जी को सम्मान नहीं किया, इसलिए हम ये दोनों को ये वृक्ष जन्म लेना पड़ा, जैसे तुम्हारी संतों को दर्शन करते ही ये सर झुक जानी चाहिए। भगवान को प्रणाम करते हुए वो अपना दक्षिण दिशा में चले। इतने में सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो, यहाँ पर ये वज्र गिरा, आकर के देखिए दोनों जमलार जो वृक्ष दोनों तरफ में गिरे हुए और बीच में कृष्ण फंसे पड़े हुए। अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो कृष्ण प्राण त्याग कर देते। नंद बाबा जल्दी जल्दी आए और उनको रस्सी को खोल दिए और पकेट से एक लड्डू निकाल करके कृष्ण को दे दिए। बोले लाला ये बताओ तेरे को बांधा किसने? बोले मैया। खोला किसने? बोले बाबा। बोले खूब मैया मैया करते रहते हो, अभी बताओ किसको पास में रहोगे? बोले मैं बाबा को पास में रहा करूँ, मैया मेरे को मार देती है। इतने में मैया आ गई, नंद बाबा को बड़ी डांट लगाए। बोले तेरे को दूर दही में बड़ी आ सकती है, और एक दो मटकी तो बड़ा होगा और कुछ नहीं, इतना बड़ा दंड से नारायण जैसे बच्चा लिया, वृक्ष दोनों तरफ में गिरे, नहीं तो लाला ही खत्म हो जाता। मैया को तो उन्हें डांट लगाए, बोले तू ये दूध दही को लेकर के रहा करो, मैं दोनों बच्चों को लेकर के तीर्थ जा रहा हूँ।
बोले आज मैंने इन्हीं हाथों में लाला कैसे मैंने बांध दिया, मेरे ये हाथों में कुछ तो व्याधि क्यों नहीं हो गई। नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के ब्रह्मांड घाट में गए, दोनों बच्चों को स्नान कराया, धारस न दूध जानते हो, जब गैया को दोहर करना उस समय दूध गर्म रहता है उसमें मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को पिला दी। और शाम को नंद बाबा आए, अभी दोनों लड़ाई हो गई, नंद जसोदा में लड़ाई हो गई, मैया एक कोने में बैठ करके रो रही, आज मैंने लाला को कैसे बांध दिया। नंद बाबा शाम को आए, घर की एक कोने में बैठे हुए कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के, दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा को मिटाएगा कौन, कहते बीच में अगर कोई व्यक्ति वही मिटे, बोले बीच में कौन है, मैया रोहिणी बलदेव प्रभु का जो माँ रोहिणी मैया। देखा अगर कृष्ण को किसी तरह से पिताजी की गोद से उठा करके माँ की गोद में छोड़ो, फिर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतने में बलदेव प्रभु को बोले बलदेव एक काम कर, तू जा कृष्ण को पिताजी का गोद लेकर के माँ की गोद में छोड़ दे। बलदेव प्रभु गए, बोले कन्हैया चल मैया के पास में चलो, जब न हाथ पकड़े ना, बलदेव प्रभु तो बड़ी क्रोध में थे और उन्हें झटका मारते ही तो बलदेव प्रभु पर गिर पड़े। मैया बोली क्यों कन्हैया, तो मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती है, मैं तो बाबा को पास में ला करूंगा। बोले ये बताओ दूध सो पिताजी को पास में मिले नहीं, दूध तो माँ को पास में मिलेगी, फिर दूध से पियोगे, बोले मैया धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले सोगे कहाँ पर, क्योंकि कृष्ण जब तक मैया गोद में नहीं सोते थे ना उनको नींद ही नहीं आती थी, बोले बताओ तो सोगे कहाँ पर, बोले बाबा की गोद में सो जाओ। बोले खेले हुए किसको साथ में, बोले ताऊ भैया को साथ में, बोले मैया को पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती है और मैया को पास में जाऊंगा मैं। इतने में रोहिणी मैया ने बोले अगर तुम मैया को पास में नहीं जाओगे ना, अगर मैया ऐसे हो गई मतलब अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगा, जब कृष्ण सुना मैया मर जाएगी मैं नहीं जाऊंगा तो फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, पिताजी की गोद से खड़े होकर के मैया मैया कहते कहते सीधा मैया की गोद में सो गए। जब लेट गए मैया कन्हैया गोद में पा करके फूट फूट करके रोने लग गई, और वहां जितने ब्रजवासी थे ना ये लीला देख करके सब के सब मुग्ध हो गए और सब के सब रो पड़े। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण के लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब ये लीला हो गई अभी ब्रजवासी लोग सोच रहे हैं और हम गोकुलियों में नहीं गए, क्योंकि पहले तो ये देखते लोग आकर हाथ पकड़ के लाला पीछे पड़ गए, लेकिन अभी ये वृक्ष अपने आप टूट करके लाला के ऊपर गिरने लगा, लगता है ये गोकुल हमारी विरुद्ध हो गया, चलो हम गोकुल छोड़ करके हम और जाए। सारे ब्रजवासी बैठ करके मीटिंग किए, बोले हम जाए तो जाए कहाँ, जो सबसे बड़े जो गोप थे श्री उपानंद जी, बोले देखो ये पास में एक स्थान है उसका नाम श्री वृंदावन धाम है, बड़ा सुंदर यमुना नदी बह रही है जहाँ पर गिरिराज वर्धन, बच्चों को खेलने के लिए सुंदर सुंदर मैदान है, बड़े सुंदर पशु पक्षी बच्चों को गैया को खाने के लिए हरी हरी घास है, चलो हम सबके सब वृंदावन चलते हैं। तो आज भी वृंदावन चलो, ढींडरा पिटवा दो, हम सबके सब आज वृंदावन चलेंगे। सारे ब्रजवासी तैयारी हो गए वृंदावन जाने के लिए, जितने बड़े बूढ़े थे उनको बैलगाड़ी के ऊपर में उनको बैठा दिया, और एक बैलगाड़ी कृष्ण बलराम और उसे यशोदा और रोहिणी मैया। कृष्ण रास्ता में जो कुछ देखे प्रश्न करे,
बोले भैया ये वृक्ष का नाम क्या है, इसमें बड़े बड़े दाढ़ी है, बड़े लाला, इसका नाम बरगद वृक्ष है। बोले भैया ये वृक्ष का नाम क्या, इसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं। बोले इसका नाम है पीपल वृक्ष है। थोड़ी दूर है बड़े सुंदर कोयल कूक रहा था। बोले भैया बताओ ये कौन सा चिड़िया जो इतने सुंदर बोली बोल रहा है। बोले इसका नाम कोयल है। बोले भैया भैया देखो कितने सुंदर चिड़िया है जिनकी सारे शरीर में बड़े चित्रकारी है। बोले ये चिड़िया का नाम क्या, इसका नाम। बोले मोर। बोले भैया एक का तो पूछ तुझसे पूछी नहीं। बोले भैया क्या है, जिसका पूछ है ना ये पूछ है, और जिसकी पूछ नहीं ये स्त्री। बोले भैया एक दूसरे को क्या लगे, बोले जो बिना पूछ वाली पूछ वाली स्त्री बहू लगती है। और थोड़ी दूर बोले मैया मैया ये जानवर देखो कितने सुंदर चित्रकारी है। बोले ये जानवर का नाम क्या, बोले इसका नाम हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग दूसरे के सींग नहीं ये क्या लगे, तो जो बिना सींग वाली वो सींग वाली इसकी बहू लगती है। बोले मैया सबकी बहू और मेरी बहू कहाँ है। बोले लाला कोई चिंता मत करो वृंदावन में चलो तेरे लिए भी एक में बहू ला दूंगी। इसलिए कभी कभी कृष्ण बहू ले कृष्ण कभी कभी मैया मेरी एक बहू को साथ में मेरी शादी कर दूंगी, अगर मेरी शादी नहीं करोगे ना मैं तेरी क्रिया नहीं चाहो। इसलिए प्रभु जी की बड़ी सुंदर कहते हैं, प्रभु जी भजन सुना गया कृष्ण कैसे मचलते हैं शादी के। कृष्ण गुरु वृंदावन हरि लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधिका गोरी विरज की छोरी से मैया रहे बेटुगा, राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया रहे बेटुगा, राधिका छोरी से विरज की छोरी से
स्नान कराया, श्रृंगार कराया, ब्राह्मण को बुलाए, उनसे दान दक्षिणा करवाए। और जब कृष्ण बलराम जा रहे थे, मैया बार बार उनको हृदय से लगा रही थी, बोले लाल दूर जाना नहीं, थोड़ी दूर जाकर खेल कूद करके वापस आ जाना। एक दिन कृष्ण बछड़े चरा चराते पहुंचे, एक राक्षस आ गया जिसका नाम था बकासुर। ये दूर से ऐसे लग रहा था जैसे इंद्र किसी पहाड़ का पंखों को काट कर गिरा, इतना बड़ा था। जब कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में पहुंचे, वो बगुला ने पकड़ करके सट कृष्ण को निकल गया। लेकिन कृष्ण अंदर में जा करके अपना शरीर को इतना गर्म किया, उसने उल्टी कर दी। फिर जब उठाने जा रहा था, कृष्ण दोनों चोंच को पकड़ करके उन्होंने चीर दिया। इसलिए अभी भी ब्रज में वो गांव का नाम है चीली, अभी वो गांव का नाम है। जहां पर कृष्ण को बकासुर खा गया था, वो गांव का नाम है खायोरी। मतलब सखाओं ने बोले, भैया हमारी कन्या को बकासुर ने खा गए, इसलिए गांव का नाम है खायोरी। भगवान ने बकासुर को मारे। इसमें सीखा है, ये बकासुर कौन है? बोलिए कपट का प्रतीक है। अब देखो ना, पानी को अंदर में जो बगुला खड़ा रहता है वो एक बैर, जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। एक दिन राम लक्ष्मण जा रहे थे, प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण देखो ये बगुला को कितना बड़ा तपस्वी है, वो एक पैर में कैसे खड़ा हुआ। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप ये मछली को पूछे, मछली सब बता देंगे। वो एक पैर में क्यों खड़ा है, ये मछलियों को पता नहीं चले कोई बगुला खड़ा हुआ, जब पास में आए ना छत पकड़ कर खा जाता है। इसलिए भगवान बकासुर को मारे शिक्षा देते हैं, हृदय में हमारी कपट रहनी चाहिए, हृदय बाहर और हृदय हमारी एक हो, तब ठाकुर जी की कृपा हुई। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ गए, देखा अघासुर आ गया, वो सर्प रूप धारण करते हुए मुंह को फाड़ करके बैठा हुआ था। जो छोटे छोटे सखा लगे, बोले ये बहुत बड़ा कोई सांप बैठा हुआ। जो बड़े बड़े थे, बोले पागल हो गए हो, इतने बड़े कहीं होते हैं, देखे हो इतने बड़े कहीं सांप होता है। बोले अगर हो तो बोले चिंता क्यों करते हो, जैसे कृष्ण बकासुर को मारे, कृष्ण इसे अघासुर को मार डालेंगे, चलो हम अंदर में चलते हैं। कृष्ण सबसे पीछे थे, जब उन्होंने धीरे 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 अंदर में गए, आप देखो सांप का दो जीवा होता है, और जीवा कितने गुदगुदी, जब अंदर में चल रहे थे गुदगुदी लग रही थी। इसने कहा, भैया क्या बात है, लगता है अंदर कोई जैसे कारपेट बिछा करके रखा है। मतलब भैया इसमें दो रोड क्यों बना हुआ? एक सखा ने कहा, तेरे को पता नहीं, एक तो अंदर में जाने का, दूसरा अंदर से बाहर आने का। बड़े बड़े दांत, बोले भैया इतने बड़े बड़े खंभे क्यों? बोले अंदर में साधु रहे होंगे, भजन करने के लिए भजन कर रहे हैं, और खंभे गाड़ करके रख बिस्तर कटाने के लिए। और वो जो अघासुर था, वो तो श्वास बंद करके बैठा हुआ था, वो अंदर में आए और सबके सब खा जाओ। इतने में धीरे धीरे श्वास को छोड़े, और श्वास होता है गर्मी। एक सखा ने कहा, देखो अंदर से गर्मी गर्मी हवा आ रहा है। दूसरे ने कहा, लगता है वो ऋषि मुनि लोग आसन प्राणायाम करते हैं, एक साथ में श्वास को रोक करके फिर श्वास छोड़ते हैं, इसे गर्मी लग रहा है। ऐसे करते करते सखा लोग तो अंदर में चले गए, और वो अघासुर देख रहा था कृष्ण अंदर में आ, मुंह बंद कर दो। कृष्ण दूर से देख करके तो पहचान गई अघासुर, आवाज लगाई, सखाओ अंदर में मत जाओ, ये अघासुर है। लेकिन ये तो सबके सब अंदर में चले गए। कृष्ण सोचा, एक साथ में मेरे को दो काम करना पड़ेगा, इसको तो मारना और सखाओं को बचाना। जब कृष्ण में गए, अपना शरीर को उन्होंने इतना बड़ा की, पूरा उसका मुंह में भर गए ठाकुर, विश्व रूप को उन्होंने प्रकाश दिया। वो मुंह बंद क्या करेगा, उसको मुंह खोला के खोला रहे,
और उसको गले में जा करके वो अटक गए। अगर गला बंद हो जाए ना, बस इतने में उसका प्राण वायु चली गई, उसको ब्रह्म तालु हट गई और एक ज्योति निकली और आकाश में जा करके वो ज्योति मडराने लग गया। जब कृष्ण ने ये अघास रूप को मारे, जितने देवता लोग आकाश से देख रहे थे लीला को, भगवान कृष्ण की जयकार लगाई। बोले श्री कृष्ण कहने लाल की, हर जोर से जयकार देवता लोग भी जयकार कर रहे। बोले श्री कृष्ण कहने लाल की, अभी ये जयकार धीरे धीरे ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा भैया कि देवता लोग जयकार कर रहे, ब्रह्मा भी नीचे उतर करके आए। देखा कृष्ण का उम्र 5 साल का था और इतने बड़े दैत्य को मार डाले, और कृष्ण उसका मुंह से जब निकले उसका जो ब्रह्म ज्योति वो कृष्ण का चरण में समा गया। ब्रह्मा बोले भैया ये बालक देखो, ये ब्रह्म ज्योति जिसकी शरीर में समा गई। ब्रह्मा जी और थोड़ी लीला देखने के लिए कृष्ण की बछड़े और सखाओं को कृष्ण को चोरी कर लिया। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना शरीर से ही जैसे बछड़े और सखा थे उन्हें वैसे ही उन्होंने प्रकट किया और सखा को साथ में प्रभु लीला करने लगे। जब ब्रह्मा जी उनको चोरी करके गुफा में बंद करके ब्रह्मलोक में पहुंचे, उससे पहले कृष्ण ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और उनके जो दरोग थे ना, बोले देखो खबरदार, मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, मेरे जैसे कोई व्यक्ति आए ना अंदर उसने बंद दिया करना। अभी कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। जब असली ब्रह्मा गए, उनका जो नौकर थे ना वो दंड लेकर के मारने के लिए ब्रह्मा को भागे। ब्रह्मा बोले भैया मेरे नौकर ने क्यों भगा लिया? बोले हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए, तू कहां से आ गया? तो भैया बैठ गया, देखो ध्यान लगाए तो देखा मेरे प्रभु से बैठ गए ब्रह्मा में। फिर तो ब्रह्मा गए और वहां से आए, गए और आते समय इसी मरते जगत 1 साल हो गया। जब ब्रह्मा जी आए 1 साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी कृष्ण वैसे लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मचक्र आ गए, वे तो उनको वहां में कर लेना, क्या वहां से उनको ले आए? बोले नहीं, वो भी वैसे वैसे सो रहे। ब्रह्मा एक साथ में दोनों तरफ में देखे, उनकी 4 सर है, देखा जितने बछड़े रखा, ये और कोई नहीं भगवान कृष्ण स्वयं रूप धारण किए। सबको उन्हें चतुर्भुज चतुर्भुज नारायण देखा। ब्रह्मा समझ गए ये कृष्ण कौन है, बोले मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी। फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन से कूद पड़े, सिद्धार्थ ठाकुर जी के चरण में लेट गए और अपना आंखों का आंसू से ठाकुर जी के चरण को अभिषेक की। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा शरीर का एक अंग ही ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है और 3 अंग स्पर्शन कर रहा है। फिर कृष्ण का चरण में लौट बोलने लगे, बोले मेरे संपूर्ण शरीर ये ब्रज रज में अभिषिक्त हो जाए। फिर खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, अब ध्यान देकर सुनो, अच्छी बात सुन लो। ये ब्रह्मा जी कहते हैं ये बाकी के बिहारी हो, देखो कृष्ण कौन है, ये गगन सीता में आती है। भगवान कृष्ण एक दिन वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए। अभी प्रभु विश्व सृष्टि होने से पहले केवल कृष्ण ही थे और दुनिया कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी सोच रहे हैं मैं लीला करूं, लेकिन एक स्वरूप के द्वारा प्रभु नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण की इच्छा होते ही उनकी पांव अंग श्री राधा जी की प्रकट हुई और ये राधा रानी से ही ये जितने शक्ति आप सुने हो, उमा ब्रह्मा सत्या सच्ची चंद्रा रुक्मिणी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, ये सब के सब कहां से प्रकट हुए? बल ये सब श्री राधा रानी से प्रकट होती है। ये राधा रानी कौन है,
बोले राजनिया महाशक्ति सर्वशक्ति बोले जितने सारे शक्तियों में जो मूल शक्ति श्री कृष्ण जिनकी चरण की सेवा बिहारी जी करते हैं ये अभी कृष्ण का दान अंग से कहते श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए कहते बलदेव प्रभु से फिर ये चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध फिर इनसे तीन विष्णु प्रकट हुए देखो ध्यान देकर सुनो ये तीन विष्णु कौन है और इनका क्या क्या काम है एक विष्णु का नाम है श्री कारण गोसाई विष्णु मतलब कृष्ण वल्लभ वृंदावन में केवल उनकी ही काम है ब्रजवासियों साथ में खूब सखा साथ में वो लीला करते रहते कुछ भी करने का जरूरत नहीं वो लीला भी बहुत मस्त है लेकिन उनका अंश इस सारी दुनिया की स्थिति का काम करते हैं ये कारण गोसाई हुए हैं जब ये माया करके दृष्टि करते हैं ये माया अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करती है जैसे अगर पति पति के जैसे संतान नहीं होता है इसलिए ये माया ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि की और हर ब्रह्मांड में एक विष्णु जिनका नाम गर्भ गोसाई विष्णु जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मांड सृष्टि की अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि की हर ब्रह्मांड में ये गर्भ गोसाई विष्णु अपना शरीर की पसीना से आधा ब्रह्मांड को जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा कर दिए और ये बताया एक विख्या है उसमें दो तोता बैठे हुए उसमें दो चिड़िया बैठे हुए एक चिड़िया तो खट्टा मीठा फल को खाता है लेकिन एक चिड़िया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है वो केवल साथी रूप में दिखता है बोले भैया ये कौन सा कष्ट आ जाए कभी कभी हम घबरा जाते हैं आप देखना भले ही किसी चीज को छोड़े नहीं छोड़े पहले तो ये माला छोड़ने के लिए पहले तैयार थे थोड़ी सी कोई इधर उधर आ गया ना भगवान हमारे साथ में ऐसे कर जाए हम भगवान को इतने भक्ति करते हैं खाना नहीं छोड़ेंगे सोना नहीं छोड़ेंगे घूमना नहीं छोड़ेंगे पहले प्रभु की भजन ही छोड़ देंगे प्रभु की भक्ति छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं देखो ब्रह्मा जी यहाँ पर बहुत उन्होंने अच्छी बात को बताया है ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया अगर जीवन में कभी तुम्हारी क्लेश दूर होगी जीवन में कभी तुम्हारी कष्ट कभी दूर होगी बोले कैसे होगी बोले भगवान की भक्ति को द्वारा जैसे तुम्हारी जीवन का दुख कष्ट दूर होगा जगत में और कोई उपाय नहीं जो कि तुम्हारे दुख कष्ट दूर होने वाले हैं इसलिए क्या करनी चाहिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए सबके द्वारा हाथ उठाओ बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे और एक बार सबके जोर बोलिए बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे देखो बल्कि समय एक दो भाई थे तो एक भाई बड़ा नास्तिक मतलब भगवान को नहीं मानता और एक भाई बड़ा आस्तिक खूब भगवान को जवाब जा करता था अभी जो नहीं मानता था जो भजन करता था उसको हर समय खी उड़ाया करता था तो क्या दिन भर माला लेकर बैठो क्या ये पत्थर के सामने बैठो जीवन ये बेकार सब ढोंगबाज कुछ है एक दिन क्या हुआ दोनों भैया वो जा रहे थे कहीं निमंत्रण में जाते जाते मोहर मिली है उसने देखा भैया बात सही है तो और कई दूर गए जो भजन करता था उसको प्यार एक लोहे की सीख गड़ गई तो खून बहने लग गया प्रभु की
भक्ति को तेरे को मिला और मेरे को क्या मिला, ये सब बेकार है भजन भजन। उसने तो बड़ा दुखी हो गया, बोले ठाकुर जी मैं तेरा इतना पूजा पाठ भजन करता हूँ, तो मेरे साथ में ऐसे व्यवहार करते हो, सब सामने मेरी बेइज्जती करती हो। वो बड़ा दुखी हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा दुखी मत हो, पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म किया हमें पता ही नहीं, सुना तुम दोनों का कर्म सुना। अभी जिसको सोने की मोहर मिली है, ये पूर्व जन्म में इतने दान इतने दक्षिणा की थी, आज का दिन उसको राज दरबार में राज तिलक लगना था, राज मुकुट पहनने का था, लेकिन वो मेरे मेरे भक्तों को निंदा करता है, और निंदा करते करते उसे सारे पुण्य समाप्त हो गए, केवल एक सोने की मोहर देकर छोड़ दी। तेरी बात सुन, पूर्व जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, चूंकि तुम मेरी भजन करते हो मेरी भक्ति करते हो, इसलिए मैं जितने तुम्हारी पाप को खत्म करते 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 पूरा खत्म कर दिया, और केवल तेरी प्यार में एक लोहे की सी गड़वा करके मैंने तुझे छोड़ दिया। बेटा ये मत समझो भक्ति करने पर दुख मिलता है और नहीं करने पर सुख मिलता है, हमें पूर्व जन्मों का कर्म हमें याद नहीं। बेटा निश्चिंत होकर प्रभु की भक्ति करो। हाँ, और एक उदाहरण सुनो, अच्छी तरह से चीज को समझ लो, बढ़िया करके दिमाग में बैठाओ। कभी कभी भक्ति करते हुए अगर तुम आ जाए, ये चीज को क्या समझो, छोटा निकलेगा ना बड़ा निकलेगा, भाई छोटा निकलेगा ना बड़ा निकलेगा, छोटा निकलेगा, क्यों तुम ये चीज को समझो, उसमें उसने पहले डाला छोटा गेहूं, हाँ भी